बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की रहमत करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि चाचू के घर काम लगा हुआ है, चाचू लोग बना रहे हैं बरामदा और उनका आज छत है, तो मैं भी आज छत पे जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि हम गांव में बरामदे का किस तरह से छत बनाते होते हैं, और मुकम्मल तौर पे दिखाऊंगा कि गांव में किस तरह से सब लोग मिल के छत के लिए जो इस्तेमाल किया जाए मटेरियल किस तरह से इकट्ठे मिल के लेके जाते हैं। काफ़ी बड़ा छत है, तो अभी कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि ये नए कपड़े पहने हुए हैं। पुराने कपड़े पहन के मैं वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से काम वहाँ करते हैं और आज वहाँ काम करना है। तो अभी चलते हैं चाचू लोग के घर और आपको जाके दिखाएंगे कि हम सब मिलकर किस तरह से काम करते हैं। छत के दरमियान मिट्टी डालते हैं, तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत शेड बनाते हैं। उसके लिए अभी ब्लॉक छत पर लेके जाने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से ब्लॉक ऊपर लेके जाएंगे। अभी हम शेड लगाने लगे हैं, दो मिस्त्री लगाए हुए हैं। जो ब्लॉक हम छत के ऊपर लेके आए थे उनको अभी शेड बनाने लगे हैं उनसे। तो आइए आपको दिखाते हैं ये भी सीन कि किस तरह से मिस्त्री भाई शेड बना रहे हैं। पूरे मकान का जो शेड है वो तैयार हो चुका है, और अभी हम जो हम बरामदा बना रहे हैं उसके ऊपर अभी मिट्टी डालने लगे हैं। तो आपको ये प्रोसेस भी दिखाते हैं कि हम सब मिलकर किस तरह से छत पे मिट्टी को लेके जाएंगे।
अभी माशाल्लाह बरांडे पे जो मिट्टी है वो मुकम्मल हो चुकी है, और मिस्त्री भाई जो मिट्टी हमने डाली है उसको अपने लेवल के मुताबिक सेट कर रहे हैं, और काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मिस्त्री भाई किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से लेवल कर रहे हैं। वापस आया हूँ, अभी फ्रेश हुए हैं क्योंकि जो कपड़े काम वाले थे वो अभी उतार दिए, नहा के भी फ्रेश हुए हैं, तो काफी ज्यादा थकन भी है। आपने कमेंट करके हमें बताना है कि किस किस्म का छत अच्छा होता है, लेंटर का छत अच्छा होता है या जो हमने डाला है चौकों का ऊपर मट्टी डाल के बनाया है इस तरह का अच्छा होता है, या आपके इलाके में किसी और किस्म के मटेरियल से छत बनाते हैं वो कैसा होता है, तो आपने हमें जरूर बताना है कि कौन सा छत मजबूत होता है और कौन सा छत मकान के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद आपने ये भी कमेंट करके हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही आज की ब्लॉग करते हैं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।